जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। लाडली बहना योजना 8वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि लाडली बहना 8वीं किस्त की राशि किस दिन से आपके खाते में आने वाले हैं, और साथ ही दोस्तों 1250 रुपए आएंगे या फिर पूरे 1500 रुपए। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सरकारी योजनाओं की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 8वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट दी है, यानी कि मोहन यादव जल्द ही सभी बहनों के खाते में 8वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। बता दें दोस्तों, पिछली बार 7वीं किस्त की राशि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी बहनों के खाते में 7वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की थी, जो कि सभी बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि भेजी गई थी। लेकिन दोस्तों, 8वीं किस्त की राशि अब मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव के द्वारा ट्रांसफर करने वाले हैं, जो कि प्रदेश में लगभग 1.32 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। और साथ ही जो सभी महिलाएं छूट गए हैं, वंचित रह गए, जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, तो वो लोग तीसरे चरण के माध्यम से आवेदन करके लाडली बहना योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने कहा है कि जिन्होंने नया आवेदन किया है उनको भी पहली किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, लाडली बहना योजना 8वीं किस्त की राशि के लिए अब आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के नए सीएम ने खुलकर बता दिया है कि लाडली बहना योजना का 8वीं किस्त की राशि 10 जनवरी 2024 को 12 बजे के बाद ट्रांसफर करने वाले हैं, जो कि प्रदेश में लगभग 1.32 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8वीं किस्त की राशि भेजी जाएगी। और साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने ये स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, वो कोई भी योजना बंद नहीं होगी, वह सभी योजनाएं चलती रहेगी। सरकार ने कहा है कि इसके लिए हमने पर्याप्त धनराशि रखी है। यानी कि दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोई भी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, लाडली बहना आवास योजना हो, कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी और इनका समय पर सबको पैसा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, बहुत जल्द सभी महिलाओं के खाते में 10 जनवरी 2024 को 8वीं किस्त की राशि पूरे 1500 रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 7वीं किस्त की राशि 1250 रुपए भेजी गई थी, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव हो सकते हैं कि आपको नए साल से 8वीं किस्त की राशि पूरे 1500 रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि धीरे धीरे राशि की बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो दोस्तों, हो सकता है कि इस बार आप लोगों को 8वीं किस्त की राशि 1250 रुपए की जगह पर पूरे 1500 रुपए भेजे जाएंगे। दोस्तों, आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को अब तक कितने किस्तों का पैसा मिल चुका है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दे, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।